बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को निधन हो गया था। गौरतलब है कि 2 साल पहले ये पता चला था कि उन्हें कैंसर है और वो कैंसर का इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क भी गए थे और इसी साल फरवरी के महीने में वो 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। उनकी हालत बीते कई दिनों से गंभीर थी। भले ही अब वो हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन उनसे जुड़ी बातें, उनके किस्से लगातार सामने आ रहे हैं और आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ऋषि कपूर से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में उनके खास दोस्त ने बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है कि जब ऋषि कपूर ने अपने दोस्त को फोन पर इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें कैंसर है तो वो उस वक्त रो पड़े थे। जी हाँ, ऋषि कपूर के दोस्त राज बंसल ने अपने एक साक्षात्कार में इस बात का खुलासा किया है कि जब ऋषि कपूर ने उन्हें फोन किया तो वो फोन पर ही रोने लगे थे। न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले ऋषि कपूर ने उनको फोन किया था और फोन करते ही उन्होंने अपने दोस्त को कहा, ठाकुर तुझे कुछ बताना है यार। इतना कहते ही ऋषि कपूर की आंखों से आंसू छलकने लगे और उन्होंने फोन काट दिया। जब थोड़ी देर बाद उनके दोस्त ने उनको कॉल किया तो उन्होंने रुआसी आवाज में कहा कि ठाकुर अच्छी खबर नहीं है यार, मुझे कैंसर हो गया है, शाम को इलाज के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। जानकारी के लिए बता दें कि राज बंसल और ऋषि कपूर की दोस्ती कोई आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। इन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म चांदनी के सेट पर हुई थी। उसी दौरान ये दोनों दोस्त बने और अपनी दोस्ती को इन्होंने आखिरी वक्त तक बरकरार रखा। देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।